अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये रिम इंस्टाग्राम की आईडी, वहां जाके जरूर फॉलो करें। मुझसे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है और जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उस पर मेरा क्या ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ तो मैं अपना ओपिनियन तब दे सकता हूँ जब मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वहाँ पे आपको इंस्टेंट मेरा ओपिनियन पता चल सकता है। बहुत सारे मीम्स भी मैं बनाता हूँ खुद के ऊपर, ज़्यादा खुद पे मीम बनाना बड़ी बात है, वैसे मेरी तारीफ ही होती है मेरी मीम्स में। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो ज़रूर कर लें। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉलो करें क्योंकि 10,000 फॉलोअर्स के बाद ना स्वाइप अप वाला फीचर मिल जाता है और बड़ी चाह है मेरी कि वो फीचर मुझे इंस्टाग्राम पर मिले। दोस्तों सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं एक साल बाद फिर से डक्की भाई वर्सेस साम इड्रीस के बीच हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में। मुझे ABC भी नहीं पता इस कंट्रोवर्सी के बारे में, लेकिन मेरा आप इंस्टाग्राम चेक करोगे वही आईडी जो कुछ सेकंड पहले मैंने प्रमोट किया है, तो यार उस पे ऊपर से नीचे तक बस भरे पड़े हैं। साम इड्रीस एक्सपोज किए गए डक्की भाई द्वारा, उसके बाद पड़े थे उसके बाद समो भाई का भी आ गया कि समो भाई ने भी अब एक्सपोज कर दिया। और हाल ही में आज सुबह वो मैसेज से पूरा मतलब फ्लडेड था मेरा DM। तो चलो देखते हैं, पहले डक्की भाई का देखेंगे, उसके बाद अगली वीडियो जो होगी वो समो भाई पे होगी जो उन्होंने बनाया है साम इड्रीस पे। हियर वी गो। क्या हुआ जनाब, क्यों परेशान हो? मैंने वीडियो कभी भी नहीं बनानी थी लेकिन बनानी पड़ रही है। शाम इद्रीस जब से पाकिस्तान आया है मुझे फोर्स करी जा रहा है कि यार मेरे से मिलो, मैंने मिलना है, मैंने कोलैब करना है, मैंने वीडियो बनानी है, ये वो। और मैं उसको एक ही बात कही जा रहा हूँ कि यार मैंने कोलैब नहीं करना, ना ही मैं आपसे मिल सकता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ, लेकिन मैंने मिलना भी नहीं है। अब मैं तुम लोग को एक बात बताया था कि स्कैम भाई पाकिस्तान आए ही अपनी रेपुटेशन सही करने हैं, और ये उनमें से जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को किस तरह से ट्रीट करता है। शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं घर बैठ के अपना काम कर रहा था, शमीर अब्बास मुझे कॉल करके कहता है कि यार ये शाम से बात कर। इस वक्त मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, साथ कैसे हो? अब तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में मैं नाइसली बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, विच इज ट्रू, क्योंकि मैं ऐसा हुई नहीं। मुझे कोई कॉल करे, चाहे वो कोई मेरा दोस्त हो, दुश्मन हो, जानने वाला हो, नहीं जानने वाला हो, मैं उसे नाइसली ही बात करूंगा। और ये मेरी आदत है कि जब भी किसी से मेरी फर्स्ट टाइम बात होगी मैं उसे इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू लाजमी कहता हूँ। लेकिन इसने इस चीज का फायदा उठाया और कॉल रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दी। सबसे पहले तो इसने घटिया और अनएथिकल हरकत ये की है कि इसने कॉल रिकॉर्ड कर ली, और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं की बल्कि इंटरनेट पर भी डाल दी। दोनों बातों के लिए इसने मेरे से कोई परमिशन नहीं ली। और परमिशन तो दूर की बात, जब मुझे पता लगा कि शाम ने कॉल रिकॉर्ड की है तो मैंने शामिर को मैसेज किया कि मेक श्योर कि मेरी कोई भी कॉल या मैसेज कोई भी पब्लिक ना हो। उसने ये बात आगे शाम को बताई भी, और मेरे मना करने के बाद भी शाम ने कॉल रिकॉर्ड करके वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दी। लोगों का फुद्दू बनाना शुरू कर दिया कि मेरी तो डक्की की तो सेटिंग होगी, दोस्ती होगी। अब इसने ये सब क्यों किया? क्योंकि इसकी रेपुटेशन बहुत गंदी हुई पड़ी है जब से वो टाइनी यूट्यूबर वाला सीन हुआ था, और ये पाकिस्तान आया भी इसलिए ताकि इसकी इज्जत और व्यूज वापस आ सके। अब अगर इनको किसी की कॉल रिकॉर्ड करके इंटरनेट में डालने में कोई शर्म नहीं है ना, तो मुझे भी कोई मसला नहीं होना चाहिए इनकी कन्वर्सेशन दिखाते वक्त, जहां पे मुझे कही जा रहा है कि मेरे से मिलो। तो ये शामिर के थ्रू मुझे बोलता रहा, इसको मैं इनकार करता रहा, मेरा पूरा हक बनता है इसको इनकार करना, और सिर्फ इसलिए इसने कॉल रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दी और कह दिया कि मेरी और साथ की दोस्ती होगी इन्नी मिन्नी। और एग्जैक्टली उसी वीडियो के अंदर अपना उसने मीट एंड ग्रीट अनाउंस कर दिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू द मीट एंड ग्रीट April 13th 7 PM इट विल बी एट हाउडीज Packages Mall। ये वीडियो by the way इसकी meet and greet announcement वीडियो थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरी साथ से सेटिंग हो गई है और ये वो, जिसमें इसने कॉल रिकॉर्ड करके फेक सारा प्लान करके मेरे पूछे बगैर वीडियो डाल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको meet and greet पे हेट ना मिले। लेकिन इन सब के बाद भी इसकी कुत्ते वाली हुई थी meet and greet पे। आज से साल पहले ये बंदा मुझे कहता है अब तू लाहौर की स्ट्रीट्स में फिरेगा ना, जूते मारेंगे, जूते और डंडे मारेंगे। मुझे याद है, बांस की बंसी न सोने का सरिया। अब तू लाहौर की स्ट्रीट्स में फिरेगा ना तो लोग तुझे जूते और डंडे मारेंगे। तो ये जो कह रहा ना कि मेरी डक्की से बात होगी, मुझे बताए बगैर ताकि इसको कोई हेट ना मिले, और मुझे मिलने का इसलिए कह रहा है ताकि मेरे ही मुंह से बुलवा सके कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जबकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हाँ। जान के इसने चोरियां की, जान के फेक वीडियोस बनाई, जान के टाइनी यूट्यूबर और लिटिल हट्स इन पाकिस्तान वाला सीन किया, जान के हिजाब में रैपिंग की, और अब उसे ये बंदा ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाह रहा है मेरे मुंह से। मैं तुम्हें ना कुछ लोगों की एग्जांपल देता हूं कि इसने मेरे साथ एग्जैक्टली करना क्या था। शमीर अब्बास साल पहले वीडियो बनाते स्कैम इब्लीस पे उसके अगेंस्ट। स्कैम इब्लीस
कौन है वो बंदा? स्कैमर प्लीज, आप समझ गए होंगे वो कौन है। उस बंदे ने फेम, वो बंदा हिट, पॉपुलर, उसकी सारी लाइफ सिर्फ बनी है ज़ियाद अली की वजह से। और साल बाद ये स्टेटमेंट पेश करता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये कहना चाहूंगा कि जो लोग समझते हैं ना कि भाई शाम भाई जो है बहुत ही लाइक मतलबी है, बहुत ही लाइक सेल्फिश है, ये है वो, जो इमेज बनी हुई है, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्कैम अब्लीस, मैं जस्ट आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ऐसा कोई सीन नहीं है। थोड़ा सा इमैच्योर लगता है जिसको तुम टॉफी पकड़ाओगे ना तो तुम्हारे साथ चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें फायदा नजर आ रहा है, टॉफी मिली है उसको, नहीं ये इस चीज को मानता भी है कि शाम उसको यूज कर रहा है। लेकिन जब मैं उसको ये बात समझा रहा था तो मुझे आके कहता है कि यार जो भी है मुझे उससे फायदा तो हो रहा है। इसके बाद शाम ने शमीर को यूज करके उसके थ्रू अपनी सफाइयां देनी शुरू कर दी। वैसे एक बात सही है कि मुझे भी लगता है कि प्रैंक्स जो इनके असल हैं, क्योंकि मुझे पता ये बातें बोलने के शाउट आउट मिलता है या पैसे मिलते हैं या क्या मिलता है, क्योंकि किसी की भी दिमागी हालत सही हो ना वो ये नहीं कहेगा कि स्कैम के प्रैंक्स असली हैं। आजकल इसने एक नया रोला डाला हुआ है कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है जी। देखो आप लोगों ने फोन बिलीव कर लिया कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है वाली बात नहीं है। जब तेरी यक्कियां पकड़ी जाती हैं तो उसको कुछ भी दिखाया जा सकता है का नाम ना दिया कर। तुम लोगों मैं एक और चीज दिखाता हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से द मैसेज टू ऑल द पीपल वाचिंग? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग समझते हैं ना कि भाई शाम भाई जो है बहुत ही लाइक मतलबी है, बहुत ही लाइक सेल्फिश है, ये है वो, जो इमेज बनी हुई है, ऐसा कोई सीन नहीं है। स्कैम कहता है कि यार आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, और शमीर आगे से लिटरली उसकी उठा के मुंह में डाल देता है। ये होता है कि मिसकंसेप्शन और बीच में लाइक गलतफहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती जब है। जब डकी भाई अगेंस्ट समीर ने वीडियो बनाई थी तो उसमें कंट्रोवर्सी जा रही थी, दूसरे रोस्ट की बात की तो लड़ाइयां होती हैं, लेकिन उसमें ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैच्योरिटी की थोड़ी कमी है। वो यकीन जो इसने जान के पब्लिकली लगाई है, लड़ाई इसमें कोई भी नहीं है, और ये इन सारी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देना चाह रहा है मुझे यूज करके, बिल्कुल जिस तरह इसने शमीर को यूज किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना ही मैं बेवकूफ हूँ और ना ही मैं बिखाऊ, और शमीर अब्बास ने जान बूझ के वो बंदा यूज हो जाता है। लेकिन मैं तुझे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फ्लो फ्लो में बह जाता है, चीज होती है। तुम्हें फायदा चाहिए था तुम और बड़ी जगहों से ले सकते हैं, ना कि अपनी ही कही हुई बात तुमने शाम के कहने पे मिसअंडरस्टैंडिंग बोल दिया, यानी तुमने पब्लिक को खुद ही बता दिया कि मैंने झूठ बोला है। अपनी ही कही हुई बात को जो सच है तुमने अपने ही मुंह से उसको गलतफहमी का नाम दे दिया सिर्फ शाम के कहने। अब सिर्फ इस पॉइंट को वैलिड करने के लिए कि ये बंदा लोगों को यूज करके, आई वांट टू टॉक अबाउट शमीर। शमीर की पहले शाम से दोस्ती थी, फिर लड़ाई होगी, और जिस दौरान लड़ाई थी तो ये टाइनी यूट्यूबर वाला सीन चल रहा, फिर शाम ने आके शमीर से दोस्ती कर ली क्योंकि शमीर ने शाम के फेवर में कुछ बातें बोली ही अपनी वीडियो के अंदर। उसके बाद कुछ वीडियोस भी आई थी कि वापस दोस्ती होगी है और ये वो। लेकिन जब शाम ने पूरा फायदा ले लिया शमीर से, उसके चैनल पे वीडियोस तक डलवा दी, अपना आप साफ करवा लिया, अपनी सफाई दे दी, इज्जत बढ़ा ली, और जब इसने देखा कि मुझे शमीर से फायदा मिल चुका है तो इसने लड़ाई का बहाना क्या लगाया कि शमीर का भाई सनी जाफरी मेरे से पाकिस्तान में मिल के आया। यार मैंने एक चीज पूछनी थी, शाम और आपकी लाइक पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए थे, कोई वजह अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता दो। एक्चुअली वजह तुम ही हो, वो ये था कि सनी मेरा जो छोटा भाई है, जब वो पाकिस्तान गया था लास्ट ईयर तो उसने तुम्हारे साथ जाके कलेबरेट वगैरह किया था, तो शाम को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उसने बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारा छोटा भाई मेरे दुश्मन से जाके मिल रहा, तो उसने उस बात पर आई गेस उसको बुरी लगी वो बात, तो उसने दोस्ती तोड़ दी। या उसने बोला कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लेकिन आपको बुरा नहीं लगा कि लाइक वो आपसे आपके थ्रू उसने वीडियोस वगैरह भी बनवा ली जस्ट टू लाइक गेट हिज रिस्पेक्ट बैक? और क्योंकि आपकी जब वीडियोस आई थी जहाँ पे लाइक पॉजिटिव वो जो वीडियोस थी कि दोस्ती होगी एंड एवरीथिंग ठीक है, तो उसकी काफ़ी हद तक जो इज्जत जो गायब हो चुकी थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू वो वापस आ गई थी, और डोंट यू फील बैड कि वो इतना सा बहाना लगा के लड़ाई का तो वो निकल गया? नहीं यार इसमें बैड क्या लगना है, आई truly believe everything happens for a reason and mil jul ke raho na aage kyun badhne laga theek hai lekin main khush hu main apna kaam kar raha hu wo apna kaam kar raha hai hum dono khush hain theek hai yaar I don't care wo mujhe nahi chhedta main usko nahi chhedta mujhe isse zyada kya chahiye it's fine chalo sahi hai thank you for your time yaar no problem bro have a good day वैसे यहां पे रात के 2 बज रहे हैं तूने मुझे ये सवाल पूछने के लिए कॉल किया इतनी सुबह सुबह यार हां असल में I'm working on something और इसलिए मैंने कहा था कि यार एक अर्जेंट कॉल करनी है, आर यू अवेलेबल? तो या दैट्स इट, दैट्स फाइन, गुड लक, चलो सी यू, टेक केयर यार, ओके बाय बाय, टेक केयर ब्रो, बाय, आई लव यू।
I wanna talk about Zaid. अब हम सबको पता है कि शाम इंजरी है ही जैद की वजह से, और स्कैम इस बात को अक्सर डिनाई करता रहता है क्योंकि इससे इसकी ईगो हर्ट होती है। लेकिन ट्रुथ इज ट्रुथ, एक तो हो ना कि लाख दो लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तो जैद से कोलैब वगैरह किए, उसकी पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी, सब में जैद है। खैर वो जैद के नाम पे ग्रो करता रहा, उससे व्यूज लेता रहा। शाम ने देखा कि अच्छा अब मैंने फायदा ले लिया जैद से। इसने क्या किया, अपनी सारी वीडियोज में से जिसमें इसने जैद अली डाला हुआ था उसके टाइटल और थंबनेल में से जैद अली हटा दिया, ऐसे एक्ट करने के लिए जैसे स्कैम इबलीस अपने बलबोते पे बना है। Assalamualaikum यार ज़ैद, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। मैं ठीक ठाक। वीडियो कॉल बताने से पहले मैंने आपको बताना है कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इट्स फॉर द वीडियो। अच्छे से ले लिया यार, फिर से एक साल बाद एनिवर्सरी पे। मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी कि हाउ डू यू फील जब आपको शाम ने टाइटल से निकाल दिया है सारा, अपने क्लिक बेट करने के बाद, व्यूज लेने के बाद उसने कहा कि अच्छा फायदा मिल गया, चलो फारिक कराओ ज़ैद को, हाउ डू यू फील? यार देयर इज नथिंग टू फील अबाउट दैट, देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू। उसने अगर अब इस तरह का काम किया है, द थिंग इज लोगों को पता है पब्लिक पागल नहीं है, उनको पता है कि उसने क्या किया है, और लोग जानते हैं कि पहले उसकी वीडियोस कैसी होती थी और अब वीडियोस कैसी होती हैं। सो देयर इज नथिंग, इंडिया से ज्यादा आजकल हो रहा है पाकिस्तान में। द ओनली थिंग इज उसने मुझे टाइटल से निकाल दिया है, थंबनेल से निकाल दिया है, काश वीडियो से भी निकाल सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो से तो नहीं निकाल सकता। काश वीडियो से भी निकाल पाते यार, इट इज। पहले आप लोगों की दोस्ती वगैरह हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कॉन्टेंट। आई फील लाइक कि वो जिस तरह का कॉन्टेंट बनाता है और जिस तरह का मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, विच इज़ वाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। एंड अनदर रीज़न वॉज उसने मेरी फैमिली के बारे में कुछ नामुनासिब बातें भी कही थी, विच वर ऑल लाइज, एंड आई फेल्ट दैट वॉज वेरी लो ऑफ हिम। तो उसकी वजह से वी जस्ट कम्प्लीटली ड्रिफ्टेड अवे एंड आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। That's sad. अच्छा ज़ैद, कुछ फाइनल रिमार्क्स देना चाहोगे आप? यार फाइनल रिमार्क्स में बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, डोंट एवर स्टे क्वाइट, लेट योर वॉइस बी हर्ड। एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म व्हिच अलाउज अस टू डू सो एज यू आर डूइंग राइट नाउ। और ज़िंदगी में यही होता है कि अगर आप एक बार चुप हो जाएं तो जो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है वो बार बार आपके ऊपर स्टेप करता रहेगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं बस आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है या ज़्यादती हुई है, डोंट एवर स्टे क्वाइट, टॉक अबाउट इट, लेट पीपल नो एंड लेट योर वॉइस बी हर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार ज़ैद। नो वरीज ब्रो, कुछ और कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? आई थिंक मुझे कुछ लाइक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिल गई कंटेंट लेने के लिए सामी ट्रीज की यार। चलो ठीक है ब्रो, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार, ओके, नो वरीज ब्रो, टेक केयर। मुरु भाई, तैमूर सलाउद्दीन, शाम ने इनको भी अच्छा खासा यूज किया हुआ है। तैमूर भाई देखो, देखिए मेरी बड़ी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है इबलीस के साथ। कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ब्राउन डूड इट कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, काफी कमाल है, उसके साथ कोलैबोरेशन की। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, मैंने एक्ट किया, हमने वीडियो रिलीज की, कोई 3-4 लाख व्यूज आ गए। उस जमाने में हमारे लिए काफी ज्यादा व्यूज थे, हम काफी खुश थे एक दूसरे के कोलैबोरेशन के साथ। लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इबलीस ने रिलीज की थी। अब इस कॉपी को देखने के बाद सर आप तो सही से नाम ले लो, लेम ब्राउन डूड को मैंने कहा कि यार हम इसको कॉम्प्लीमेंट ही ले सकते हैं, उस वक्त हमारी फॉलोइंग इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर लक्स स्टाइल अवार्ड पे मेरी स्कैम इबलीस से मुलाकात हुई, ऐसे उसने प्रटेंड किया जैसे उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मुझे उसकी आंखों में नजर आ गया कि वो मुझे पहचानता है, क्योंकि उसने मेरी वीडियो तो कॉपी की थी आखिरकार। मैंने उस वक्त परफॉर्म करना था लक्स स्टाइल अवार्ड पे, मैंने परफॉर्म किया, अपने अपने घर चले। कुछ देर बाद जब तुमने वीडियो बनाई और स्कैम इबलीस की सारी जो असलियत है लोगों के सामने रखी, तो उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो अपने लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, और उसमें मेरा नाम भी उसने इस्तेमाल किया। शायद लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे मैं उसके साथ कॉन्फ्रंटेशनल नहीं था, तो उसने समझा कि इस बंदे को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, क्योंकि मैंने उसके मुंह पे उसको नहीं कहा कि तू चोर है, लेकिन मेरे से बर्दाश्त ना हो पाया। मैंने जब देखा कि उसने कहा कि यार मैं मुरू से मिला और मुरू को मैंने ये अच्छी बात की, मुरू को ये अच्छी बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इतना भी आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो कराची में कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उसने उस वीडियो में दिखाए थे कि उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, उसको बड़ा पसंद करते हैं, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की यहाँ पे लोगों को ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन एक इंसान जो कनाडा में रह रहा है और वो उधर रहता हुआ भी वो चोरियाँ कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि इबलीस का कितना बड़ा चेला होगा अगर आखिरकार इतना अगर बदखला की हो। एक इंसान है जो शोहरत परस्त इंसान, इबलीस मतलब शैतान होता है ना, जो उसके चीज रास्ते में चीज आएगी दूसरे के सर पे पैर रख के ऊपर भी चढ़ जाए, तो आप देख रहे हैं वो कर भी चुके हैं लोगों के साथ। तो ये मेरा ओपिनियन है, टेक इट फॉर व्हाट इट इज। ओके
मैंने तुम लोगों को जस्ट एक समरी बताता हूँ। शाम आया पाकिस्तान, मुझे बोली जा रहा कि मैंने मिलना है ये वो। मैं इनकार करता रहा क्योंकि मुझे उसकी असलियत का पता है, मुझे पता है कि वो कैसा इंसान है और उस तरह के नेगेटिव लोगों को मैं अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं उसको इनकार करता रहा कि भाई मैंने आपसे नहीं कोई ताल्लुक रखना। इसने फिर कॉल लगवाई शामिर के थ्रू, रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दी। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने 2 मिनट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें कोई हेट या नेगेटिविटी नहीं थी, उसका नाम तक नहीं लिया है मैंने, लेकिन एक बात जरूर बताई हुई थी जिससे वो झूठा साबित हो रहा था। ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने स्टोरी और ट्वीट लगाई थी कि यार मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से कोई ड्रामा हो। शाम ने ये चीज देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। टाइटल में तो था ये बात, तब भी यार इसको शर्म आनी चाहिए, इंटरनेट बीफ पे इस तरह की धमकियां दे रहा है। उसके बाद इसने शामिर को इस तरह के मैसेजेस करके मुझे डराना शुरू कर दिया कि इसको अपनी फैमिली तो प्यारी होगी। वेदर यू वर्क सेट लम्स और कॉम सेट, लाइफ इज फुल ऑफ हाउसेज ऑन सेल। तुम लोगों को मैं इसका मतलब बताता हूँ, मेरे फादर असल में कॉम सेट में प्रोफेसर हैं और हमने रिसेंटली घर भी अपना सेल पे लगाया हुआ था और घर के बाहर ही फॉर सेल लिखा हुआ था। और ये शाम इस तरह के मैसेजेस करके डराना चाह रहा है कि मुझे इसकी फैमिली की डिटेल का पता सारा। उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई कि बेटा आपका साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। हाँ जी, मतलब आपको मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम से मुलाकात हो। खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कहा कि कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। ये बंदा अपनी तरफ से टुगेदर फॉर पाकिस्तान के नारे लगाता है और रीच आउट सिर्फ मुझे कर रहा है क्योंकि इसको मेरे से फायदा होना था, वरना इसकी वाकई टुगेदर फॉर पाकिस्तान वाली नीयत होती ना तो ये सारों को कॉन्टैक्ट करता और खुद प्राइवेटली कॉन्टैक्ट करता, ना कि किसी रेलू कट्टे के थ्रू। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ये बंदा दूसरों के पेरेंट्स को धमकी यार हर चीज में फंसा देता है। सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन, बंदे अच्छे होते हैं मेरे स्टूडेंट लॉ तो, या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। नहीं यार ऐसा तो ही कुछ होता है, बोलना और करना फर्क है। आई वांट टू शो यू गाइस दैट इट्स दैट इजी टू मैनिपुलेट ऑन सोशल मीडिया। हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। इस वीडियो का रिप्लाई ना करने के लिए बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। सामिटीज जब पाकिस्तान आए हैं तो अगर उन्हें सब ब्लॉगर से मिलना है, सभी यूट्यूबर से मिलना है, तो मेरे ख्याल से एक साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त उस कंट्रोवर्सी में जो जो यूट्यूबर्स या जो जो ब्लॉगर्स अपना ओपिनियन दिए थे उस वक्त उनके पक्ष में या उनके खिलाफ, उन सबसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए था प्राइवेटली। सिर्फ डक्की भाई से भी नहीं, और डक्की भाई से प्राइवेटली नहीं यार, खुद से कांटेक्ट नहीं किया, शमीर अब्बास के थ्रू कांटेक्ट किया, क्योंकि मुझे पता है शमीर अब्बास जो है वो थोड़े से कम मैच्योर हैं और मेरे ख्याल से साम इड्रीस को भी ये बात पता है कि अगर ये इस बंदे को अगर मैं यूज़ करूँ तो ये आसानी से यूज हो जाएगा, अगर थोड़े व्यूज़ मेरे चैनल से इसको मिल जाते हैं तो ये कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि फ़ायदा देख के समीर अब्बास ने ये किया है, समीर अब्बास थोड़े कम मैच्योर है और ये जब मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो देखी थी मुझे तब से पता है। डक्की भाई, रजा शमो, इरफान जुने जो, मुरू और भी कराची वाइंस, लाहौरी फाइट, जितने भी लोग हैं यार सबसे मिले, फेस टू फेस मिले, उसको रिकॉर्ड ना करे, जो भी गलत फहमी थी अगर उनके हिसाब से थी तो उसको ख़त्म करें, अगर गलत फहमी नहीं थी जैसे डक्की भाई ने बोला कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तू उस वक्त गलत था तो था, तो डक्की भाई से भी मिलते, अगर गलत फहमी नहीं थी, सामडी सी गलती थी तो बिना रिकॉर्ड किए सॉरी बोल देते, अगर सॉरी बोल देते, कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो अगर फेस पे सॉरी बोल दो तो मेरे ख्याल से डक्की भाई वहाँ पे मिलने के लिए शायद तैयार हो जाते, क्योंकि अगर सामने से कोई सॉरी बोल रहा है तो चलो यार दिल साफ़ है तो बात ख़त्म, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना, कॉल पे बात करना,
ट्रिक्स अप्ले करना कि कैसे भी मिल लें ट्रिक्स प्ले करके कि हम छोटे भी ना लगे, हम सॉरी बोलते हुए भी ना दिखे और मेरा काम भी हो जाए। वो होता है ना इंडिया में एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ये वाली ट्रिक्स हम इड्रिस यहाँ पे प्ले करना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए। लकी भाई ने एक जगह बोला कि पाकिस्तान आए हैं साम इड्रिस सिर्फ इसलिए कि ताकि जो उनकी गई हुई रेपुटेशन है वो वापस आ सके, गई हुई जो व्यूज़ है वो वापस आ सके। तो व्यूज़ के बारे में भी तो बात नहीं करूँगा क्योंकि यार एक साल पहले जो व्यूज़ आ रहे थे कंट्रोवर्सी से पहले अभी भी लगभग उतने ही व्यूज आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से व्यूज वाली तो कोई बात है नहीं। बात करें रेपुटेशन की तो यार जो बोला था लिटिल हर्ट्स वगैरह वगैरह टाइनी यूट्यूबर, तो उस सब को मतलब कवर करने के लिए अगर आए हैं पाकिस्तान तो अच्छी बात है, अब आए आपका भी देश है, लेकिन यार आके मिलो सबसे, अच्छे से बात करो, जिनको आपसे शिकायत है सबसे पहले उनसे मिलो, उनसे सेटलमेंट करो, अगर उनको बुरा लगा है आपकी किसी बात से तो उनको सॉरी बोलो, बात ख़त्म करो यार। कोई सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता मेरे भाई, कोई छोटा नहीं होता, सॉरी बोलने से आप बड़े हो जाते हो, छोटे नहीं हो जाते हो। लेकिन बस वही ट्रिक कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे तो हर जगह ये नहीं चलता, और ख़ासकर सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि आप एक जगह कवर करोगे 10 ट्रोल्स आएंगे और आपके जो जो कवर किया है ना वो तो जाएगा ही यार, आपकी बेइज्जती और ज़्यादा हो जाएगी जो फिलहाल अभी हो रही है। मेरे ख्याल से यार साम इड्रिस साहब को कंट्रोवर्सी में पड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साल पहले उन्होंने डक्की भाई से झगड़ा किया था, उसके बाद लपेटे में रजा शमो को भी ले लिया था, कुछ महीने पहले 2-3 महीने पहले एक बंदा आया था फॉरनर, लास्ट में कुछ बोल रहा था साम इड्रिस के बारे में, वो फ्रेंड था और उसकी मैंने 2-3 वीडियोस देखी थी जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि साम इड्रिस ने कुछ पैसे लिए हैं और पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हुआ था। वो कंट्रोवर्सी मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया लेकिन मुझे पता है कि कंट्रोवर्सी हुआ था, तो कंट्रोवर्सी में रहना शायद इन्हें अच्छा लगता है राखी सावंत की तरह, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन जैसे राखी सावंत हैं, जब देख रहे हैं कि ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है, लाइफ नॉर्मल चल रही है तो उनको नॉर्मल लाइफ पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर ही देती हैं कि भाई ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता है उनके सोशल मीडिया कैरियर का। तो मेरे ख्याल से साम इड्रिस भी कुछ ऐसा ही ट्रिक हमेशा यूज़ करते रहते हैं, उनका जो भी है ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसे में व्यूज़ तो ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि अब जो व्यूज़ आएंगे साम इड्रिस की वीडियो पे वो ज़्यादा आएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा, ये होगा 1-2 महीने के लिए जब तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है। जब लोग इस कंट्रोवर्सी को भूल जाएंगे ना तो घंटा लोग उनके वीडियोज़ को नहीं देखने वाले, जो परंपरागत व्यूअर्स हैं जो पहले से देखते आ रहे हैं उनकी वीडियोज़ को वहीं देखने वाले हैं। तो ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल, अगर ये ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि भाई चलो कंट्रोवर्सी पैदा करके थोड़ा हाइप बनाते हैं कि भाई तेरा पाकिस्तान में आया है, तो सक्सेसफुल तो हो जाएंगे व्यूज़ लेने में अगर ये सही बात है तो, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक वाक्या हुआ था शुरू में जब मेरे 30-40 हज़ार फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे, तो मैंने सेम डे को मुड़ू को मैसेज भेजा था तैमूर सलाहुद्दीन कि मैं इंडियन हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, मुझे आपके वीडियोस पे रिएक्शन देना है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो क्या मैं आपकी वीडियोस पे रिएक्शन दे सकता हूँ, क्या आप मुझे परमिशन दोगे। एग्जैक्टली सेम थोड़ा सा हटा के, मतलब मोटा मोटी यही बात मैंने साम इड्रिस को भेजी थी, क्योंकि बहुत लोग वो जो होता है ना फजलुद्दीन वाला जो उनका सीरीज है उस पर रिएक्शन करने के लिए बोल रहे थे, और इरफान जुनेजो को भी लगभग एक हफ्ते पहले मैंने सेम टाइप का कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा था, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, दिखा नहीं सकता क्योंकि उनकी प्राइवेसी जो है वो भंग होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जब रिप्लाई आया था सबसे पहले इरफान जुनेजो का रिप्लाई आया था, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल कर सकते हो, और बस बाकायदा उन्होंने अपने कुछ जो उनकी वीडियोस है नारान वाली और एक और उनका, उन्होंने यार लिंक भी मुझे भेजा था, हाउ स्वीट ऑफ हिम, कि मुझे ढूंढना ना पड़े क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड थे, और उनमें से उन्होंने खुद भेजी थी कि आप कर सकते हैं अगर आप हैं कम्फर्टेबल, तो मैंने उस पर किया। उसके बाद मुरू भाई ने बोला कि मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी परमिशन की ज़रूरत है मेरी वीडियोस पर रिएक्शन देने के लिए, तो यार मुझे लगा यार कितने अच्छे लोग हैं इरफान जुनेजी और मुरू भाई, मतलब लगा था वाओ मैन, मतलब
क्या आदमी है, मतलब मैं मुझे लग रहा था इतना बड़ा ब्लॉगर है, मैं मेरे 30,000-40,000 सब्सक्राइबर है, देगा परमिशन नहीं देगा परमिशन, लेकिन यार बहुत प्यार से उन्होंने परमिशन दिया, लगा कि यार मतलब काफ़ी इज्जत के साथ परमिशन मिल रहा है मुझे। इनकी जो रिप्लाई थी मुझे 24 घंटे में 48 घंटे के अंदर आ गई थी, साम रीज से मुझे रिप्लाई एक हफ्ते बाद मिली थी, और उन्होंने लिखा था दैट शुड बी ओके, इतना लिखा था नीचे मैनेजमेंट। उसके बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो मुझे परमिशन दे रहे थे अपने कंटेंट पे रिएक्शन देने के लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार कितना रूड बंदा है। सच बता रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, दैट शुड बी ओके, आप दे सकते हो कोई बात नहीं, इसका मतलब यही है। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि यार क्या मतलब ये एहसान नहीं कर रहे हो भाई, मैं कहीं ना कहीं प्रमोट ही कर रहा होऊंगा, तो उस वक्त थोड़ा लगा कि यार अजीब सा बंदा है। मुझे लगा कि ये स्टोरी आपको बतानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त लिटरली मुझे लगा था कि यार कितना रूड है। खैर मैं सामिटी से खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनकी वीडियोज़ पर रिएक्शन भी करता हूँ, और जो ओपिनियन है मेरा उनकी वीडियोज़ के लिए वो बुरी नहीं है, क्योंकि फजलुद्दीन वाला जो उनका सीरीज़ है वो वाकई फ़नी होता है, और एक साल पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि फजलुद्दीन सीरीज़ बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। हाँ लेकिन उनका जो प्रैंक्स होता है, जो प्रैंक कर रहे होते हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता। ब्लॉगिंग भी करते हैं तो ब्लॉगिंग में ज़्यादा उनका नहीं देखता, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है और मुझे हिंदी ब्लॉगर्स पसंद है। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकालूं तो साम इड्रीस अब बस कहीं ना कहीं फ़ायदा लेना चाह रहे थे, एक बार डकी भाई से बुलवाना चाह रहे थे कि भाई सब मिसअंडरस्टैंडिंग था, ख़त्म करो। उसके बाद जो खोई हुई इज्जत थी उनकी वापस आ जाती। एक वीडियो था यहाँ पे जिसमें वो दोनों किसी मॉल के थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे थे और नीचे सब डक्की डक्की चिल्ला रहे हैं, बगल में खड़ी क्या नाम है फ्रॉगी क्वीन फ्रॉगी स्माइल कर रही थी और बगल में चीयर कर रहे थे साम इड्रीस, लेकिन जो फ्रॉगी की स्माइल थी उस स्माइल में मैंने दर्द पढ़ा है, और हालांकि 2-3 सेकंड की वो वीडियो है, और साम इड्रीस भी मजबूरी में ऐसे कर रहे हैं कि लोग जो हैं यहाँ पे जो आवाम है जो ऑडियंस है वो उसको ऐसा कहीं से भी ना लगे कि यार आई स्टिल हेट डक्की भाई। वो हूटिंग कहते हैं ना, हूटिंग हो गई साम इड्रीस की। यहाँ पे हाल ही में हुआ था राहुल गांधी की रैली थी, और उसमें जो लोग उनकी स्पीच को सुनने पहुँचे थे वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा है कि साम इड्रीस यहाँ पे राहुल गांधी हैं और डक्की भाई यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, हूटिंग या एग्जैक्टली। खैर आपको ये रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता, लाइक करना ना भूले, एम करते कम से कम 1,000 लाइक्स की। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर ले, पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।